मगहर में 28 जून को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है, जिसमें वह एक सभा को संबोधित भी करेंगे। इस रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। रैली को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। रैली की सफलता को लेकर सोमवार को महापौर सीताराम जायसवाल के कैंप कार्यालय में भाजपा पार्षद दल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से पार्टी के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, महापौर सीताराम जायसवाल, नगर निगम के उप सभापति जितेंद्र सैनी, पार्षद ऋषि मोहन वर्मा, पार्षद सौरभ विश्वकर्मा सहित भाजपा के कई पार्षद और पूर्व पार्षद मौजूद रहे। बैठक में 28 जून को मगहर में आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री की रैली में भारी भीड़ जुटाने पर जोर दिया गया। इस दौरान पार्षदों को रैली से संबंधित जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। और अपने इस चुनाव की सफलता को लेकर के शुरुआत और प्रारंभ यहाँ से करने की जो मन में उनकी इच्छा है, उस इच्छा के अनुरूप उस तरह का परिणाम भी हम लोगों को देने के लिए प्राण प्रण से उस रैली को सफल बनाने के लिए लगना होगा। इसलिए बंधुओं की आज की इस बैठक को जिम्मेदारी तय करने के दृष्टिकोण से बुलाया गया है। मैं मानता हूँ कि जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश की सरकार ने जनता को सुविधा पहुंचाने के लिए उपलब्ध कराई है, ऐसा पिछली किसी भी सरकारों में संभव नहीं हुआ है। नदियों को जनता के बीच में पहुंचाने का कार्य यदि कोई करता है तो संगठन का पदाधिकारी और कार्यकर्ता करता है। सीधा संवाद कार्यकर्ता से ही होता है। जनता सरकार की उपलब्धियां और सरकार के कार्यों के बारे में किसी से पूछती है तो सड़क पर चलते कार्यकर्ता और पदाधिकारी से पूछती है। इसलिए हम लोगों की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी वैसे स्वतः बढ़ जाती है। अध्यक्ष यहाँ मौजूद है, कार्यक्रम के दृष्टिकोण से जो भी आगे निर्देश देना होगा उनके उद्बोधन में हम लोगों को मिलेगा। भी संचालन कर रहे पार्षद दल के उपनेता ऋषि मोहन वर्मा जी ने बताया कि आज की ये महत्वपूर्ण बैठक किस निमित्त आओ की गई है। आइए राजेंद्र जी, यशस्वी प्रधानमंत्री सदन नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली थी, उस समय ही उन्होंने प्रण किया और पत्रकार मित्रों ने जब उनसे पूछा कि आपकी सरकार के एजेंडे में मुख्य बिंदु क्या होंगे, केंद्र में क्या होगा और किस एजेंडे को लेकर आप काम करेंगे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हमारी सरकार के एजेंडे में गांव गरीब और किसान होंगे। जब गांव का किसान जो हमें अनाज देता है समृद्धशाली होगा और गरीब तबका जब नीचे से ऊपर उठ करके आएगा और जब समानता का सिद्धांत लागू होगा तो देश आज विकासशील देश है, हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में उसी समय खड़े हो पाएंगे जब हम गरीबी को मिटा देंगे। इसलिए ऐसा प्रण करके और लोकतंत्र के उस मंदिर में जब उनका प्रवेश होता है तो उन्होंने चौखट पे माथा टेका और कहा यह हमारा मंदिर है और निश्चित तौर पे इस मंदिर से हम न्याय की उम्मीद करते हैं। पूरी देश की जनता न्याय की उम्मीद करती है और जनता की लड़ाई और जनता की मूलभूत सुविधाओं की जो अपेक्षाएं होती हैं इसी संसद भवन से होती है। समस्याओं को निराकरण करना और देश को समृद्धशाली बनाना ऐसा संकल्प लेके हमें चलना है। और आप मित्रों सभी जानते हैं कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है, इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने जब वायुमंडल बनाया एक समय वो भी था कि जब देश के रक्षा मंत्री का अमेरिका के उस एयरपोर्ट पे कपड़े उतरवा लिए गए थे और एक समय यह है क्या तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय देश का मान सम्मान बढ़ा था कि जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी जब अमेरिका दौरे पे जाते हैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति प्रोटोकॉल तोड़ करके जाकर के होटल के कमरे में मिलता है। या तो इस समय है कि आप देखें कि 2014 के पूर्व हमारे देश की स्थिति क्या रही, विदेशों में हमारी पहचान क्या रही, अंतरराष्ट्रीय जगत में हमारी क्या स्थिति रही और
भैया आप आज देखें कि इसराइल और फिलिस्तीन जैसे देश जो एक दूसरे के विरोधी हैं, वो भी आपके साथ खड़े हैं। ये ऐसा क्यों हो पाया? ये ऐसा इसलिए हो पाया कि एक राष्ट्रभक्त राष्ट्रवादी सोच का कोई प्रधानमंत्री है और यह सोचता है तो सिर्फ और देश के लिए, समझना है तो सिर्फ देश के लिए। और 2014 से लेकर के और आज तक 4 वर्ष से ऊपर हो गई सरकार का, अब 15 मिनट की छुट्टी भी आपके देश के प्रधानमंत्री ने नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया कि उन्हें देश के लिए बहुत कुछ कर गुजरना है, लेकिन हमें छोटे छोटे मुद्दों पे अरे हम एक दूसरे कि हमें पार्टी ने क्या दिया, अरे हमें कुछ मिलता नहीं, हमें पार्टी ने बहुत कुछ दिया। मैंने पूर्व में भी बताया है, मैं अपनी बात बताता कि मैं इसी धर्मशाला बाजार से मैं वार्ड अध्यक्ष के रूप में अपनी राजनीतिक पार्टी शुरू किया था और आज मैं महानगर का अध्यक्ष हूं। ये पार्टी की देन है, आप जैसे हूं, मेरा सम्मान इसलिए बढ़ा है कि मैं महानगर का अध्यक्ष हूं। यह ऋण है पार्टी का, और ये पार्टी का ऋण है तो मेरा भी कर्तव्य। आप सभी सौभाग्यशाली है कि पार्टी ने आपको अपना उम्मीदवार बनाया। आप सभी सौभाग्यशाली है कि आप पार्टी के पार्षद है, जहां 10 लोग 15 लोग 20 लोग पहचानता हमें आपको। अधिक से अधिक बहुत मेहनत करते इसी शहर में आपके अरबपति खरबपति लोग हैं और 4 लोगों के लिए खड़े होने वाले नहीं है। आप जैसे लोगों के पास तो 2,000, 1,000, 2,500, 200, 400 लोग जब आप बुलाते हैं, एक बुलावे का आपके आते हैं, वो इसलिए हो पाया कि समाज में आपकी पहचान है और पहचान इसलिए है कि पार्टी ने आपको पहचान दिया है। हमें भी न्याय करना चाहिए, मुझे अफसोस होता है इस बात का। पहले मैं समझा कि पार्षद दल की बैठक, बाद में रात में ओम प्रकाश जी का फोन आया कि माननीय महापौर जी ने कहा है कि सभी जो पार्टी के प्रत्याशी 17 मार्च से रहे उनको भी बुलाया जाए। वृत्त लिया जाता था, मंगा जी कितना है, कुछ और एक दो आए, 5 लोग और आया, लालू आया, महापौर जी सब मनोज जी आए, 29 राजा जी मनोज जी हमारे भी। पार्टी ने आपको अपना आशीर्वाद दिया है, जनता ने आपको अपना आशीर्वाद दिया है, आप वहां के जनप्रतिनिधि हैं, आपका प्रथम दायित्व जनता के प्रति है, मैं मानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं संगठन के प्रति भी आपकी जवाबदेही होनी चाहिए। और संगठन जो निर्देश दे, संगठन का आप कोई महत्वपूर्ण बैठक है, हम लोग भी कभी कभी ऐसी परिस्थिति में हो जाते हैं कि एक साथ 4 बैठ के कैसे करें, प्रशासन के साथ भी है, महाराज जी ने बुलाया और कोई अपना पार्टी के हम लोगों ने भी कार्यक्रम रखा है, 4 कार्यक्रम एक साथ है। हम सभी आप लोगों ने देखा, जब आप लोगों की आवश्यकता पड़ी, जब आप लोगों ने कहा, हम लोगों ने प्रयास करके माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक करवाई, हम लोगों ने बातचीत करके प्रभारी मंत्री जी के साथ बैठक कराई और आप लोग खुद के आप लोगों ने अपनी बातों को कहा है, हम लोग उसमें प्रयासरत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी गंभीर है इस विषय को लेकर के, उनका भी कहना है कि अब निश्चित तौर पर जो भी संसाधनों की कमी उसको पूरा किया जाएगा, बजट की भी कमी नहीं होने दी जाएगी। आप निश्चिंत रहें, इस समय आने पर सारी चीजें ठीक हो जाएंगी अपने आप।